चैलेंज। पांच ऑब्स्टिकल जो हमारे रास्ते में आ जाते हैं जब हम और रचनात्मक होने की कोशिश करते हैं। पहला है कि सेल्फ कॉन्शियस होना। जब आप कोई भी टास्क कर रहे हो जो रचनात्मक है अपने आप में, जैसे कोई आर्ट बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, म्यूजिक बना रहे हो, तो सेल्फ कॉन्शियस होना या शर्मीला होना या आत्म जागरूक होना आपके रास्ते में आ सकता है। कुछ नया बनाते समय, कुछ काम करते समय या कुछ क्रिएटिव वर्क करते समय आप कॉन्शियस नहीं हो सकते। आपको उस कार्य में खोना अपने आप, तभी आपकी रचनात्मकता उभर के बाहर आएगी, तभी आपका जो आर्ट है, जो कला है, वो और भी सुंदर दिखेगी। एक स्टोरी भी है कि एक जेन मॉन्क अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ, तुम इसे ध्यान से देखते रहना, ठीक है, जैसे ही परफेक्ट बन जाए तो बता देना मेरे को। स्टार्टिंग में तो जो स्टूडेंट होता है वो बताता है, यार मेरे मास्टर ने आज तक कोई गलत चीज़ नहीं बनाई, कोई इम्परफेक्ट चीज़ नहीं बनाई, अगर मैं पहचान नहीं पाया तो क्या होगा, पनिशमेंट मिल जाएगी। फिर वो देखने लगता है मास्टर बड़ी गलतियाँ करता है। स्टूडेंट इनिशियली मतलब चौंक जाता है कि भाई क्या हो रहा है, ये मास्टर आज तक उसने कोई गलती नहीं करी और आज पेंटिंग नहीं बन रही उससे, ठीक है। तो मास्टर भी परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है उसे, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपने स्टूडेंट से कहता है कि पेंट लेने बाहर जाओ, ठीक है। पेंट लेके जब तक वापस आता है स्टूडेंट, तब तक पेंटिंग बन जाती है। और स्टूडेंट कहता है कि हाँ ये तो परफेक्ट लगी है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता था, क्या हुआ मेरे जाने के बाद, ठीक है। कहता है बस तुम बैठे थे, मेरे को देख रहे थे, इसी बात के लिए मैं कॉन्शियस हो गया, इसी बात का मैं जागरूक होकर मैं अपनी कला को ढंग से वक्त और अपना मन नहीं दे पा रहा था, इसलिए नहीं बन रही थी मुझसे। तो सेल्फ कॉन्शियस मत हो, आपको अपने कार्य में खोना है, ठीक है। अगर आप अपने कार्य में खो जाओगे और दुनिया की चिंता नहीं करोगे तो अपने आप वो कार्य ऐसा बन जाएगा कि दुनिया पूरी आके उसकी तारीफ करे, तो आपको यही करना है। दूसरा है परफेक्शनिज्म मत टारगेट करो। किसी भी चीज़ को हम जब परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो उस चीज़ का जो जादू होता है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। कभी कभी चीज़ों को परफेक्ट ना करना भी एक सुंदर चीज़ है, कला है, ठीक है। तो परफेक्ट करने की कोशिश मत करो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ कभी भी परफेक्ट, और ये भी हो सकता है कि जो चीज़ आपको परफेक्ट लग रही है किसी और को ना लगे, जो आपको नहीं लग रही है वो किसी और को लगे। बस अपने मन की सुनो, आपको जो सही लगता है, मतलब आपके हिसाब से जो कला या क्रिया या काम पूरा हो गया है उसको उतने में ही छोड़ दीजिए। परफेक्शन कभी रीच नहीं होता, आप जितना भी कोशिश कर लो हो सकता है कभी परफेक्शन ना रीच हो। परफेक्शन की जगह आप अगर यूनिकनेस ट्राई करें, ठीक है, उस चीज़ को आप अलग तरीके से दर्शाएं, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा आपके कार्य में। आपकी लोग ज़्यादा इज्जत करेंगे कि आप कुछ नया लेके सामने आ रहे, लोगों को भी देखने में या समझने में अच्छा लगेगा। तीसरा है इंटेलेक्ट। अक्सर जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसमें लॉजिक लाने लग जाते हैं या हम उसको स्ट्रक्चर करने लग जाते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। तो बात यह है कि क्रिएटिविटी का कोई रूल नहीं होता, क्रिएटिविटी रूल्स को ओवरकम करके बनती है। तो अगर आप रूल्स को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो कभी आप रचनात्मक ढंग से नहीं बन पाओ। अगर आपको रचनात्मक बनना है तो आपको रूल्स को पछाड़ के आगे बढ़ना है। जो विलियम शेक्सपियर था, उसने जब अपने प्लेस लिखे तो उस टाइम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इंग्लिश लैंग्वेज के, उसने उसको फॉलो ही नहीं किया। काफ़ी लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया, 50-60 साल तक क्रिटिसाइज किया कि ऐसे नहीं लिखा जाता प्ले, ऐसे लिटरेचर नहीं लिखा जाता। अब 100-150 सालों के बाद उसी के लिटरेचर पैटर्न को फॉलो करा जाता है। तो अगर आप कुछ नया, कुछ यूनिक दुनिया के सामने ला सकते हो, जिससे दुनिया का भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए, तो उसको लाइए सामने, लोगों को दिखाइए क्या हो सकता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे क्या हो सकता। चौथी चीज़ है बिलीफ। अपने बिलीफ को आपके रास्ते में मत आने दो। आपके जितने भी बिलीफ है वो आपके ओल्ड एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, आप क्या सोचते थे पहले और क्या हुआ, कैसे हुआ। बट जब आप कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हो, आपको ओपन रहना है नए एक्सपीरियंस के लिए, नए बिलीफ्स के लिए। आपको दूसरे की बात समझनी है, दूसरे क्या कह रहे हैं, आपको दूसरों का आर्ट समझना है कि दूसरे क्या दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं। अगर आप सेम बिलीफ को लेकर चलोगे तो आप नए आइडियाज को रिजेक्ट कर दोगे। जितने भी म्यूजिशियन होते हैं वो ऑलमोस्ट हर टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस एक टाइप का करते होंगे, बट वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग टाइप का म्यूजिक सुने। इससे उनका जो दिमाग होता है वो ग्रहणशील रहता है नई चीज़ों के लिए, ठीक है। आपको ओपन रहना है नए आइडियाज़ के लिए, नए इंफॉर्मेशन के लिए या नए तरीकों के लिए, जिससे आप अपना काम और भी अच्छा कर सकते। पांचवा है कि फेम के पीछे मत भागो। अगर आप फेम के पीछे भागोगे तो आप कोई भी चीज़ क्रिएटिव नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि लोग जब फेम के पीछे भागते हैं तो वो नॉर्मल जो नॉर्म है, ठीक है, जो लोग पसंद करते हैं वो चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर एक तरीके का गाना फेमस हो रहा है तो हर बंदा उस तरीके का गाना बनाने लग जाता है। अगर एक तरीके का आर्ट पॉपुलर हो रहा है तो बंदा एक ही तरीके का आर्ट प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो लोग कुछ नया रास्ता नहीं ढूंढते। और क्रिएटिविटी या रचनात्मकता क्या है,
कुछ नया सोचना, कुछ अनोखा सोचना। तो अगर आप कुछ बहुत ही अनोखी चीज सोचोगे ना, तो हो सकता है कि लोगों को पहली बार में वो चीज पसंद आए, ठीक है, लोग उसके अगेंस्ट भागे। अब कोई भी आइडिया जो होता है वो हमेशा तीन स्टेज के थ्रू जाएगा। सबसे पहले लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, दूसरा स्टेज है लोग उसको अपोज करेंगे या लोग उसके खिलाफ जाएंगे, उसके बारे में बकवास करेंगे, बुरा बोलेंगे, तीसरा स्टेज, ठीक है, लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब कोई नया आइडिया आता है उसको ये तीन स्टेज के थ्रू जाना ही पड़ता है। पाब्लो पिकासो जब तक वो जिंदा था उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, और ऐसा भी वक्त था जब लोग उसकी पेंटिंग को अपने कमरे में नहीं लगाना चाहते थे, ठीक है। और शेक्सपियर के प्लेस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, और आज के टाइम पे हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, इतनी सारी मूवीज बन गई हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको सही में रचनात्मक होना है तो फेम के पीछे मत भागिए, क्योंकि फेम मिलने में हो सकता है आपकी पूरी उम्र निकल जाए, आप जब तक जिंदा हो सकता है तब तक फेम ना मिल सके। तो इससे बढ़िया ये है कि आप फेम को चेज मत करो, आप अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करो, आप कुछ नया बनाने की कोशिश करो, आप कुछ दुनिया में ऐसा लाने की कोशिश करो जो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर आ जाएगा तो सबका भला हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन पर टाइप, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। परमात्मा की झलक किसको मिलती है? परमात्मा की झलक उसको मिलती है जो सृष्टि में खोजने नहीं जाता, बल्कि सृजन की प्रक्रिया में मौजूद होता है। इसलिए बहुत मजे की बात है कि कभी किसी कवि को झलक मिल जाती है उसकी, वैज्ञानिक को नहीं मिल पाती, कभी किसी मूर्तिकार को भी उसकी झलक मिल जाती, कभी किसी नृत्यकार को भी उसकी झलक मिल जाती, ध्यानी को सदा उसकी झलक मिलती रही है। ये सारे के सारे लोग सृजन की प्रक्रिया में मौजूद होते हैं, इसे हम ऐसा समझें। रविन्द्रनाथ को जब भी कोई गीत जन्मता तो वो खाना पीना बंद कर देते थे, बंद हो जाता था। खा पी नहीं सकते थे, द्वार दरवाजे बंद कर लेते थे, मिलना जुलना बंद कर देते थे, बंद हो जाता था, मिल नहीं सकते थे, ओंठ बंद जाते थे, बोलने की असमर्थता हो जाती थी। द्वार दरवाजे बंद करके भूखे उस सो नहीं सकते थे। जब भी कोई गीत उनमें जन्म लेता था तो जब तक वो पूरा जन्म ना ले ले तब तक वो और कुछ भी नहीं कर सकते थे। मनाही थी कि जब रविन्द्रनाथ अपने कमरे में बंद होकर कुछ लिखते हो तो कोई आसपास ना आए। कभी ऐसा भी हो जाता था, क्योंकि सृजन के क्षणों के लिए कोई प्रिडिक्शन, कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। रविन्द्रनाथ बैठे हैं, मित्र पास बैठे हैं या शिष्य पास बैठे हैं, और अचानक उनकी आंखें बंद हो गई और गीत का जन्म शुरू हो गया, तो लोगों को खबर थी कि चुपचाप हट जाना है, वहां फिर जरा भी बाधा नहीं डालनी, इतना भी नहीं कहना है कि अब मैं जाऊं, क्योंकि इतना भी उस भीतर हो रही रचना की प्रक्रिया में बाधा बन जाएगी। गुरदयाल मलिक ने लिखा है कि मैं नया नया गया था, नियम तो मुझे पता था लेकिन मन में एक अभिलाषा भी थी कि जब सच में ही गीत जन्मता है तब मैं भी छुप के देख लूं कि रविन्द्रनाथ को होता क्या है। 5-7 मित्र बैठकर गपशप करते थे और रविन्द्रनाथ अपने हाथ से चाय बना के उनको पिला रहे थे, अचानक उनके हाथ से प्याली छूट गई, सब लोग चुपचाप वहां से अधूरी चाय पिए उठ गए। लोगों ने मलिक को भी इशारा किया, मन तो नहीं था उठने का, लोग नहीं माने तो उन्हें भी उठ जाना पड़ा, लोग तो चले गए, मलिक बाहर दीवाल के पास छुप के बैठ गए। रविन्द्रनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे और उनके शरीर में एक पुलकन और एक सहरन का दौर शुरू हो गया, जैसे रोआ रोआ किसी अज्ञात ऊर्जा से भर गया हो और जैसे रोए रोए में कोई सूक्ष्म स्पंदन प्रवेश कर रहे हो।
कोई अनूठी शक्ति ने सारे कमरे को घेर लिया, ऐसा मलिक को भी अनुभव होने लगा कोई मौजूदगी। जैसे कभी कभी आपको भय लगता है, लगता है कोई मौजूद है और दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही मलिक भी घबरा गए। घबराहट दोहरी थी, एक तो ये थी कि मैं अपराध कर रहा हूं, मुझे यहां रुकना नहीं चाहिए, और दूसरी घबराहट ये थी कि चारों तरफ कोई मौजूद हो गया था, वो जगह खाली ना रही थी। घड़ी दो घड़ी, फिर मलिक के पैर बंध गए। अब वो भागना भी चाहते हैं, वहां से हट भी जाना चाहते हैं, लेकिन अब हट भी नहीं सकते। किसी चीज ने जैसे कि जमीन से कसिश बांध ली। आंखें झपकाना चाहते हैं, झपकती नहीं। श्वास जैसे ठहर गई हो, वहां कोई विराट जैसे उतर आया चारों तरफ। सारा स्थान किसी की उपस्थिति से भर गया। रविन्द्रनाथ डोल रहे हैं जैसे कोई वृक्ष हवाओं में डोलता हो, कि रविन्द्रनाथ नाच रहे हैं जैसे कोई मोर अषाढ़ में नाचता हो, कि रविन्द्रनाथ के भीतर कुछ हो रहा है जैसे किसी माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म हो रहा हो। रात गहरी होने लगी और रविन्द्रनाथ वैसी ही अवस्था में। फिर वे स्वस्थ हुए, वापिस हुए, और जैसे ही वे स्वस्थ और वापिस हुए, मलिक के पैर जमीन से जैसे छूट गए, वो भागे। बाद में उन्होंने रविन्द्रनाथ से जाके दूसरे दिन पूछा कि अपराध मेरा क्षमा हो, रात में चोरी छिपे खड़ा रह गया था, ऐसा लगा कि आप तो मिट गए, कोई और मौजूद हो गया था। रविन्द्रनाथ ने कहा कि मैंने अब तक स्वयं कुछ भी नहीं लिखा है, जब मैं मिट जाता हूं तभी कोई मुझसे लिखवा जाता है, जब मैं नहीं होता हूं तभी कोई मुझसे गा जाता है, और मैं लाख कोशिश करूं, कितने ही सुंदर शब्दों को जमाऊं, तुकबंदी तो बन जाती है लेकिन काव्य का जन्म नहीं होता। काव्य का जन्म तो तभी होता है जब मैं मिट जाता हूं, जड़ मूल से खो जाता हूं। अगर रविन्द्रनाथ को इस काव्य के जन्म के क्षण में ईश्वर का एहसास हो तो हो सकता है, क्योंकि जब भी जगत में कोई चीज सृजित होती है, कहना चाहिए इन द मूवमेंट ऑफ क्रिएशन नॉट व्हेन इट हैज बीन क्रिएटेड, पैदा हो गई तब नहीं, सृजित हो गई तब नहीं, जब सृजन हो रही होती है, इन द वेरी प्रोसेस, प्रक्रिया में होती है, जब जन्म हो नहीं गया होता, जन्म हो रहा होता है, तब कभी कभी उसकी झलक मिल जाती है, क्योंकि उसकी मौजूदगी के बिना किसी भी चीज का जन्म नहीं होता है। उसकी मौजूदगी के बिना, उस कैटलिटिक के मौजूद हुए बिना एक कविता भी जन्मती नहीं है। कभी कभी सर्जकों को उसकी प्रतीति होती है, उसका कारण यह है। और जिस कवि को कवि के अंतरतम में सृजन का यह अनुभव न हुआ हो, वो तुकबंद है, कवि नहीं है। उसने शब्दों को जोड़ना सीख लिया है, उसकी कविता कंस्ट्रक्शन है, क्रिएशन नहीं, कंपोजिशन है, क्रिएशन नहीं, उसने जोड़ तोड़ बना ली है। वो भाषा जानता है, वो भाषा का खेल जानता है, वो नियम जानता है, वो शब्दों को बिठा लेता है, लेकिन उसने कभी काव्य का जन्म नहीं देखा है। इसलिए हम अपने मुल्क में कवियों की दो कोटियां करते रहे। एक कोटी कवियों की वो थी जो शब्दों को निर्माण कर लेते थे, जमा लेते थे, उनको हम कवि कहते थे। एक वे भी कवि थे जिनके भीतर कविता का जन्म होता था, उनको हम ऋषि कहते थे। ऋषि का अर्थ कवि है, लेकिन फर्क थोड़ा सा है। ऋषि हम उसे कहते हैं जो मिट गया है और जिसने जन्म होते अपने भीतर किसी चीज को देखा। कभी सृजन के किसी क्षण में उसकी झलक मिल सकती है, क्योंकि हर सृजन में वो मौजूद होता है। कभी आपने ख्याल किया हो, जब कोई स्त्री पहली दफा गर्भवती होती है तो उसके सौंदर्य में
शरीर के पार की कोई चीज उतरनी शुरू हो जाती। असल में मां बने बिना स्त्री सौंदर्य की पूरे निखार को कभी उपलब्ध नहीं होती। जब उसके भीतर को जन्म रहा होता है, कोई सृजन हो रहा होता है, तब उसके आसपास परमात्मा की छवि और मौजूदगी अनिवार्य है। तो अगर स्त्रियां इस सत्य को जान लें कि जब उनके भीतर कुछ निर्मित हो रहा है तब वे परमात्मा के अति निकट होती हैं, अगर वे क्षण उनके ध्यानपूर्ण हो जाएं, तो एक स्त्री को अलग से साधना करने की कोई भी जरूरत नहीं। उसका मां होना ही उसकी साधना हो जा सकती है। पुरुष इस लिहाज से वंचित है, स्त्री इस लिहाज से बहुत गरिमायुक्त है, क्योंकि पुरुष के भीतर कुछ भी निर्माण नहीं होता, सृजन नहीं होता। स्त्री के भीतर कुछ सृजन होता है। स्त्री के भीतर सृजन की प्रक्रिया गुजरती, और छोटा मोटा सृजन नहीं होता। एक फूल जब खिलता है पौधे पर तो सारा पौधा सुंदर हो जाता है। क्यों? क्योंकि फूल का सृजन हुआ। लेकिन जब जीवन का श्रेष्ठतम फूल मनुष्य किसी स्त्री के भीतर निर्मित होता है तो स्वभावतः उसका सारा व्यक्तित्व एक अनोखे सौंदर्य से भर जाता है। उस क्षण परमात्मा बहुत निकट है। इसलिए मातृत्व एक गहरी धार्मिकता है। इसलिए जिस दिन स्त्री मां नहीं होना चाहेगी उस दिन स्त्री का धार्मिक होना असंभव हो जाएगा। मैंने कहा कि स्त्री को यह सुलभ है कि उसके भीतर सृजन की प्रक्रिया घटती। जैसे इस पूरे जगत के गर्भ में किसी दिन सारे चांद तारे पैदा हुए, एक बहुत छोटे से रूप में स्त्री के भीतर जीवन पुनः निर्मित होता है, बार बार निर्मित होता है। यह उसका गौरव भी है, यह उसकी दुविधा भी है, क्योंकि इसी कारण स्त्री कुछ और सृजन नहीं कर पाती। स्त्री कोई अच्छे गीत नहीं निर्मित कर पाई, उसने कोई अच्छी मूर्तियां नहीं बनाई, स्त्री के नाम पर कोई बड़ी कला नहीं, स्त्री किसी धर्म को जन्म नहीं दे पाई, स्त्री ने कोई भी ऐसा अनूठा काम किया हो सृजन का, वो नहीं किया। उसका कुल कारण इतना है कि उसके भीतर सृजन की इतनी बड़ी घटना घटती है कि उसे बाहर सृजन का ख्याल नहीं आता। ये दुर्भाग्य भी है। अगर भीतर की सृजन की घटना में ईश्वर का अनुभव ना हो पाए और बाहर सृजन की क्षमता टूट जाए तो ये दुर्भाग्य भी है। पुरुष ने बहुत कुछ सृजन किया है। मनस्विद कहते हैं पुरुष कमी अनुभव करता है भीतर, इसलिए बाहर से पूर्ति करता है सृजन करके। इसलिए जब एक माइकलेंजलो एक चित्र निर्मित कर लेता है, जब एक मोजार्ट एक गीत की तरंग एक संगीत की लय तय कर लेता है, या तानसेन जब एक राग को जन्म दे देता है, या जब एक महावीर एक जीवन के नए आयाम को पैदा कर देते हैं, या जब एक बुद्ध एक नया द्वार खोल देते हैं, तब इन्हें जो प्रतीति और जो तृप्ति होती है वो प्रतीति और तृप्ति सृजन की है। ध्यान रहे जहां भी सृजन की क्षमता है वहां परमात्मा का अनुभव आसान। इसलिए नॉन क्रिएटिव असृजनात्मक लोग परमात्मा को कभी अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, अनेक लोग हैं जो परमात्मा की खोज में जाते हैं और बिल्कुल गैर सृजनात्मक हो जाते हैं। हमारे मुल्क में तो बहुत लोग हैं। हमारे मुल्क में तो कुछ ऐसा है कि जो व्यक्ति परमात्मा की खोज में जाता है उसका सृजन से कोई संबंध ही नहीं रह जाता। और ध्यान रहे सृजन निकटतम है जहां से उसकी प्रतीति हो सकती है। इसलिए अगर एक साधु सृजन छोड़कर और मुर्दे की भांति जीने लगता है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा, कठिन हो जाएगा। क्यों
क्योंकि सृजन की घड़ी में परमात्मा की मौजूदगी अनिवार्य है, उसकी मौजूदगी के बिना कहीं भी सृजन नहीं होता, वो कैटलिटिक एजेंट है। जहां भी कुछ पैदा होगा वो सदा मौजूद होता है, उसके बिना पैदा ही नहीं होता। और जहां भी विध्वंस होगा वहां वो सर्वाधिक दूर होता है। ध्यान रहे, जितना सृजनात्मक क्षण हो उसकी निकटता होती है, जितने विध्वंस का क्षण हो उससे उतनी ही ज्यादा दूरी हो जाती है। इसलिए महावीर ने अगर हिंसा को अधर्म कहा है तो उसका कारण, उसका कुल कारण इतना है कि जब भी हम विध्वंस कर रहे होते हैं तब हम परमात्मा से सर्वाधिक दूरी के बिंदु पर होते हैं। अगर इसे इस भांति समझेंगे तो अहिंसा का नया अर्थ ख्याल में आएगा। इसे ऐसा समझें, हिंसा का अर्थ है विध्वंस, अहिंसा का अर्थ है सृजन। लेकिन नासमझ लोगों का कोई हिसाब रखना मुश्किल है। नासमझ लोगों ने अहिंसा का अर्थ लिया है कि हिंसा मत करो, अपने को रोक के बैठ जाओ। उनकी अहिंसा सृजनात्मक या क्रिएटिव नहीं है, मुर्दा मरी मराई है। हिंसा विध्वंस है तो अहिंसा को सृजन होना चाहिए, तो ही अहिंसा उसके विपरीत होगी। अगर मैं चींटियां ना मरे ऐसा संभल संभल के निकल जाऊं, मैं फूल ना तोड़ूं क्योंकि हिंसा हो जाएगी, मैं किसी को चोट ना पहुंचाऊं कि हिंसा हो जाएगी, मैं चलना फिरना सब गति रोक दूं क्योंकि हिंसा हो जाएगी, मैं अपने मुंह पर पट्टियां बांध लूं कि कहीं श्वास में कोई जीव जंतु ना मर जाए, मैं पानी छान के पी लूं कि कहीं कोई हिंसा ना हो जाए, मैं रात का भोजन बंद कर दूं, ये सब ठीक है लेकिन ये बिल्कुल गैर सृजनात्मक है, नॉन क्रिएटिव है। इतना काफी नहीं है कि चींटी ना मरे, अपर्याप्त है। जरूरी है कि मेरे द्वारा जीवन को जन्म मिले। इतना काफी नहीं है कि कोई मुझसे मरे ना, इतना जरूरी है कि मेरे द्वारा जीवन को गति मिले, जीवन बढ़े और फैले। इतना काफी नहीं है कि मैं फूल ना तोड़ूं, ये जरूरी है कि मैं फूल लगाऊं, फूल मेरे द्वारा खिले। जब तक अहिंसा सृजनात्मक ना हो तब तक नपुंसक होती है, और इस मुल्क की अहिंसा नपुंसक हो गई, इंपोर्टेंट हो गई, क्योंकि उसका अर्थ हो गया ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, डोंट उसका स्वर हो गया। तो इससे इतना तो हुआ कि विध्वंस मत करो, लेकिन क्या करो उसका कोई स्वर नहीं। परमात्मा की गहनतम प्रतीति सृजन के क्षण में होती है, क्योंकि उसके बिना सृजन नहीं हो सकता। तो कृष्ण कहते हैं मैं मौजूद, मेरी मौजूदगी काफी है। हे अर्जुन, मेरी उपस्थिति मात्र से प्रकृति सर्व जगत को रच लेती है, और इस ऊपर कहे गए कारण से ही जगत बनता और बिखरता रहता है। मैं कुछ करता नहीं हूं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, मुझे हिलना भी नहीं पड़ता है, मुझे वासना भी नहीं करनी पड़ती, मुझे इच्छा भी नहीं करनी पड़ती, बस मेरा होना ही सृजन। तो अगर हम इसे ऐसा कहें तो बहुत आसान हो जाएगा। हम सदा कहते रहे गॉड इज द क्रिएटर, ईश्वर सृष्टा है। बेहतर हो हम कहें गॉड इज द क्रिएटिविटी, ईश्वर सृजन की प्रक्रिया है, ईश्वर सृजनात्मकता है, व्यक्ति कम प्रक्रिया ज्यादा, व्यक्ति कम प्रवाह ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति तो रुका हुआ हो जाता है, प्रवाह सतत गतिमान है, और व्यक्ति की तो सीमा हो जाती है, प्रवाह की कोई सीमा नहीं। तो परमात्मा एक सृजन का प्रवाह है, और जहां उसकी मौजूदगी है वहीं अनंत अनंत रूपों में सृजन प्रकट होने लगता है। जीवन का खेल उसकी मौजूदगी का आनंद है, उसके मौजूद होते ही जीवन उत्सव से भर जाता है, उसके मौजूद होते ही राग रंग
उसके मौजूद होते ही फूल खिल उठते हैं और गीत का जन्म हो जाता है। जहां भी कुछ जन्म रहा हो वहां मौन होकर बैठ जाना, परमात्मा निकट एक कली फूल बन रही हो तो भागे हुए मंदिर मत चले जाना। मगर पागलों का जगत है, फूल जन्म रहा है, वहां वे खड़े भी ना होंगे बल्कि उस कली को तोड़कर भागेंगे मंदिर की तरफ परमात्मा को चढ़ा देने के लिए। अच्छा होता कि वहीं बैठ जाते जब कली फूल बन रही थी, वहां परमात्मा ज्यादा संभव था बजाय उस मंदिर के जहां आप फूल को तोड़कर ले आए। पता ही नहीं, जहां भी कोई चीज पैदा हो रही हो, सुबह का सूरज जन्म ले रहा हो या रात का आखिरी तारा डूब रहा हो, सुबह आ रही हो, भोर पैदा हो रही हो या सांझ का पहला तारा उग रहा हो, वहां रुक जाना। पवित्र मंदिर बहुत करीब है, वहीं है, वहां ठहर जाना, वहां शांत उस सृजन के साथ एक हो जाना, तो उसकी उपस्थिति अनुभव में आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए यह हमारी सदी परमात्मा से दूर हो गई मालूम पड़ती है। उसका कारण यह है कि हम आदमी की बनाई हुई चीजों से इस बुरी तरह घिर गए हैं कि सृजन का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आदमी की बनाई हुई चीजों में ग्रोथ तो होती नहीं। आप एक मकान बनाते हैं वो बढ़ता तो है नहीं, आप एक कार ले लेते हैं वो बड़ी और बढ़ती तो है नहीं। आदमी की बनाई हुई कोई भी चीज में ग्रोथ तो होती नहीं, विकास तो होता नहीं, जन्म तो होता नहीं। आदमी की तो सब बनाई हुई चीजें मुर्दा हैं, उनमें जीवन की कोई धारा तो है नहीं। तो बड़े मकान हैं सीमेंट कंक्रीट के, वो आकाश को छू रहे हैं, उनके पास आदमी कितनी ही देर खड़ा रहे परमात्मा की प्रतीति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां कुछ भी तो जन्म नहीं हो रहा। सीमेंट कंक्रीट जैसे मृत्यु का साकार रूप, जैसे मुर्दा होने का इससे ज्यादा और कोई अच्छा ढंग नहीं हो सकता। आदमी जितना आदमी की चीजों से घिर जाता है उतना ही उसे जन्म के क्षण में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, उतना ही वो सृजन के करीब नहीं रह जाता। अभी लंदन में सर्वे हुआ तो 10 लाख बच्चों ने कहा कि उन्होंने खेत नहीं देखा है, 5 लाख बच्चों ने कहा कि उन्होंने गाय नहीं देखी। अगर ये बच्चे बड़े होकर पूछें कि परमात्मा कहाँ है तो कोई कठिनाई, जिन्होंने गाय नहीं देखी, जिन्होंने खेत नहीं देखा। अगर ये कल कहें कि परमात्मा कहाँ है तो इनके प्रश्न में कोई आपको बुराई मालूम पड़ती, इनका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि जीवन को इन्होंने कहीं भी बढ़ते हुए नहीं देखा। चीजों की दुनिया देखी है, सृजन की दुनिया नहीं देखी। तो फिर स्वाभाविक, अगर ये कविता भी लिखेंगे तो उसमें रेल का इंजन आएगा, आकाश के तारे नहीं आएंगे। ये कविता लिखेंगे तो उसमें भी मिल की चिमनियां आएंगी, खिलते हुए फूल नहीं आएंगे। अगर ये चित्र भी बनाएंगे, जैसा कि पिछले 50 साल की पूरी चित्रकला कहेगी, अगर ये चित्र भी बनाएंगे तो उन चित्रों में भी अखबार की कटिंग काट काट के चिपका देंगे, कोलाज कहेंगे। उसमें भी आदमी की जो जो विकृतियां हैं वो उभर के सामने आएंगी। पिकासो के चित्रों को अगर देखा जाए तो हमारे मन की पूरी कथा है, लेकिन उनमें फूल खिलते मालूम नहीं पड़ेंगे, उनमें कोई चीज बढ़ती हुई मालूम नहीं पड़ेगी, उनमें किसी का जन्म होता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक है क्योंकि हम एक अस्वाभाविक वस्तुओं के जगत में घिर के जी रहे हैं, जहां कोई चीज पैदा नहीं होती, हर चीज बनाई जाती है, जहां किसी चीज का जन्म नहीं होता, जहां हर चीज सिर्फ जोड़ी जाती है। हम
आदमी को प्रभु को खोजना हो तो सृजन के निकट ही उसे खोज सकता है। वैज्ञानिक सिद्धि में व्यक्ति का अपना कुछ होता है और अज्ञात इसमें वैज्ञानिक सिद्धि में कैसे उतरता होगा, वे तकलीफ की बात बन जाती है। ऐसा साधारण लगता है कि वैज्ञानिक खोज में व्यक्ति की अपनी इच्छा काम करती है, ऐसा बहुत ऊपर से देखने पर लगता है, बहुत भीतर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा। अगर जगत के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हम देखें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे कि जगत के सभी बड़े वैज्ञानिकों के अनुभव बहुत और हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में विज्ञान की जो धारणा पैदा होती है वैसा अनुभव उनका नहीं है। मैडम क्यूरी ने लिखा है कि मुझे एक सवाल दिनों से पीड़ित किए हुए उसे हल करती हूँ और हल नहीं होता है, थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, आखिर हल करने की बात छोड़ दी और एक रात 2 बजे वैसे ही कागजात टेबल पर छोड़कर अधूरे सो गई हूँ और सोच लिया कि अभी सवाल को छोड़ ही देना, थक गया व्यक्ति। लेकिन सुबह उठकर देखा है कि आधा सवाल जहाँ छोड़ा था वो सुबह पूरा हो गया, कमरे में तो कोई आया नहीं, द्वार बंद थे और कमरे में भी कोई आके उसको हल कर सकता था जिसको मैडम क्यूरी हल नहीं कर सकती थी, इसकी भी संभावना नहीं। नोबेल प्राइज विनर थी वो महिला, घर में नौकर चाकर ही थे, उनसे तो कोई आशा नहीं है, वो तो और बड़ा मिरेकल होगा कि घर में नौकर चाकर आके हल कर दे। लेकिन हल तो हो गया और आधा ही छोड़ा था और आधा पूरा है, तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई। सब द्वार दरवाजे दिखे, कोई परमात्मा उतर आए इसकी भी आस्था उसे नहीं हो सकती, कोई परमात्मा ऐसे ऊपर से उतर भी नहीं आया था। लेकिन गौर से देखा तो पाया कि बाकी अक्षर भी उसके ही है। तब उसे ख्याल आना शुरू हुआ कि रात तो वो नींद सपने में उठी, सपने का उसे याद आ गया कि वो सपने में उठी है, उसने सपना देखा कि वो सवाल हल कर रही, वो नींद उठी है रात में और उसने सवाल हल किया है। फिर तो ये उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल ना हो तब वो उसे तकिए के नीचे दबा के सो जाए, रात उठ के कर ले। दिन भर तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी, व्यक्ति थी, रात नींद में हम खो जाती, बूंद सागर से मिल जाती और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया वो हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है खोज पाता है। आर्कमिडीज एक सवाल हल कर रहा था, वो हल नहीं होता था, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया था, सम्राट ने कहा था हल करके ही लाओ। आर्कमिडीज की सारी प्रतिष्ठा हल करने पर निर्भर थी लेकिन थक गया। रोज सम्राट का संदेश आता है कि कब तक हल करोगे। सम्राट को किसी ने एक सोने का बहुत कीमती आभूषण भेंट किया था लेकिन सम्राट को सब था कि धोखा दिया गया और सोने में कुछ मिला है लेकिन बिना आभूषण को मिटाए पता लगाना है कि उसमें कोई और धातु तो नहीं मिली। अब उस वक्त तक कोई उपाय नहीं था जानने का और बड़ा था आभूषण, उसमें कहीं बीच में अगर अंदर कोई चीज डाल दी गई हो तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। आर्कमिडीज थक गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, बस अचानक नंगा ही था, सवाल हल हो गया, भागा, भूल गया। आर्कमिडीज अगर होता तो कभी ना भूलता कि मैं नंगा हूं।
सड़क पे आ गया और चिल्लाने लगा एरेका एरेका मिल गया और भागा राजमहल की तरफ। लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो, राजा के सामने नंगे पहुंच जाओगे। उसने कहा लेकिन ये तो मुझे ख्याल ही नहीं था, घर वापस आया। ये जो आदमी सड़क पर पहुंच गया था नग्न, ये आत्मदीप नहीं था, आत्मदीप सड़क पर नहीं पहुंच सकता था, ये व्यक्ति नहीं था। और ये जो हल हुआ था सवाल, ये व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ था, ये निर्व्यक्ति चेतना में हल हुआ था। ये बाथरूम में पड़ा था अपने टब में, रिलैक्स्ड शिथिल, ध्यान घट गया, भीतर उतर गया, सवाल हल हो गया। जो सवाल स्वयं से हल ना हुआ था वो टब ने हल कर दिया, टब हल करेगा सवाल को। जो स्वयं से हल ना हुआ था वो पानी में लेटने से हल हो जाए, पानी में लेटने से कोई बुद्धि बढ़ जाती। जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ था वो नंगे होने से हल हो जाए। नहीं, कुछ और घटना घट गई, ये व्यक्ति नहीं रहा कुछ देर के लिए, अव्यक्ति हो गया, ये कुछ देर के लिए ब्रह्म के स्रोत में खो गया। अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के, आइंस्टीन के, मैक्स प्लैंक के, या एडिंगटन के, या एडिशन के, इनके अगर हम अनुभव पढ़े तो इन सब का अनुभव ये है कि जो भी हमने जाना वो हमने नहीं जाना। निरंतर ही ऐसा हुआ है कि जब हमने जाना तब हम न थे और जानना घटित हुआ है। यही उपनिषद के ऋषि कहते, यही वेद के ऋषि कहते, यही मोहम्मद कहते, यही जीसस कहते। अगर हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है तो उसका और कोई मतलब नहीं, उसका ये मतलब नहीं कि इस पर उतरा और उसने किताब लिखी, ऐसे पागलपन की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अपौरुषेय का इतना ही मतलब है कि जिस पुरुष पर यह घटना घटी उस वक्त वो मौजूद नहीं था, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। जब ये घटना घटी, जब ये उपनिषद का वचन उतरा किसी पर, और जब ये मोहम्मद पर कुरान उतरी, और जब ये बाइबल के वचन जीसस पर उतरे, तो वे मौजूद नहीं थे। धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं है, हो नहीं सकते, क्योंकि अगर विज्ञान में कोई सत्य उतरता है तो उसके उतरने का भी मार्ग वही है जो धर्म में उतरता है, जो धर्म के उतरने का मार्ग। सत्य के उतरने का एक ही मार्ग है, जब व्यक्ति नहीं होता तो परमात्मा से सत्य उतरता है, हमारे भीतर जगह खाली हो जाती, उस खाली जगह में सत्य प्रवेश करता है। वो दुनिया में कोई भी ढंग से, चाहे कोई संगीतज्ञ, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, चाहे कोई मिस्टिक, दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। ये धर्म को तो बहुत पहले से ख्याल में आ गया, लेकिन धर्म का अनुभव 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल में धार्मिक फकीर को, धार्मिक संत को, धार्मिक योगी को यह अनुभव हुआ कि ये मैं नहीं हूँ। ये बड़ी मुश्किल बात है, जब पहली दफे आपके भीतर परमात्मा से कुछ आता है तब डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल होता है कि ये आपका है कि परमात्मा का है। जब पहली दफा आता है तो डमाडोल होता है मन कि मेरा ही होगा, और अहंकार की इच्छा भी होती है कि मेरा ही हो। लेकिन धीरे 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 जब दोनों चीजें साफ होती हैं और पता चलता है कि आप और इस सत्य में कहीं कोई तालमेल नहीं बनता, तब फासला दिखाई पड़ता है, डिस्टेंस दिखाई पड़ता है। विज्ञान की उम्र नहीं है अभी 200-300 साल, लेकिन 200-300 साल में वैज्ञानिक विनम्र हुआ है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिक कहता था जो खोजा वो हमने खोजा, आज नहीं कहता है। आज वो कहता हमारी सामर्थ्य के बाहर मालूम पड़ता है। आज का वैज्ञानिक उतनी ही मिस्टिसिज्म की भाषा में बोल रहा है, उतने ही रहस्य की भाषा में जितना संत बोले थे। इसलिए जल्दी ना करें, और 100 साल और वैज्ञानिक ठीक वही भाषा बोलेगा जो उपनिषद बोलते हैं, बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो बुद्ध बोलते हैं, बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो अगस्तीन और फ्रांसिस बोलते हैं, बोलनी ही पड़ेगी। बोलनी पड़ेगी इसलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा उतना उतना व्यक्ति का अनुभव क्षीण होता है, और जितना सत्य प्रकट होता है उतना ही अहंकार लीन होता है। और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है वो प्रसाद है, वो ग्रेस है, वो उतरा है, उसमें मैं नहीं हूं। और जो जो मैंने नहीं जाना उसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं इतना मजबूत था कि जान नहीं सकता था, मैं उतरता है खाली चित्त में, चित्त और असत्य उतारना हो मैं की मौजूदगी जरूरी है।
विज्ञान की खोज को बाधा नहीं पड़ेगी। जो खोज हुई है वो भी अज्ञात से संबंध से ही हुई है, समर्पण से ही, और जो खोज होगी आगे वो भी समर्पण से ही होगी। समर्पण के द्वार के अतिरिक्त सत्य कभी किसी और द्वार से न आया है न आ सकता है। आचार्य श्री आपका ये स्टेटमेंट बड़ी दिक्कत में डाल देता है कि अचेतन मन भगवान से जुड़ा हुआ होता है। ये तो इन्होंने पीछे से बताया मिथोलॉजी का कलेक्टिव अनकॉन्शियस के संबंध जोड़कर, मगर फ्रॉइड कहता है कि वो शैतान से भी जुड़ा होता है, तो वो तकलीफ पड़ जाती है। फ्रॉइड का ऐसा जरूर ख्याल है कि वो जो अचेतन मन है हमारा वो भगवान से ही नहीं शैतान से भी जुड़ा होता है। असल में भगवान और शैतान हमारे सब थे। जब किसी चीज को हम पसंद नहीं करते तो हम कहते हैं शैतान से जुड़ा है, और किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं तो हम कहते हैं भगवान से जुड़ा है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि अज्ञात से जुड़ा है, और अज्ञात मेरे लिए भगवान, और भगवान में मेरे लिए शैतान समाविष्ट, उससे अलग नहीं है। असल में जो हमें पसंद नहीं है मन होता है कि वो शैतान ने किया होगा, जो हमें पसंद होता है कि वो भगवान ने किया होगा। ऐसा हमने सोच रखा है कि हम केंद्र पर हैं जीवन के, और जो हमारे पसंद पड़ता है वो भगवान का किया हुआ है, भगवान हमारी सेवा कर रहा है, जो पसंद नहीं पड़ता वो शैतान का किया हुआ है, शैतान हमारी दुश्मनी कर रहा है। ये मनुष्य का अहंकार है जिसने शैतान और भगवान को भी अपनी सेवा में लगा रखा है। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिसे हम शैतान कहते हैं वो सिर्फ हमारी अस्वीकृति है, जिसे हम बुरा कहते हैं वो सिर्फ हमारी अस्वीकृति है। और अगर हम बुरे में भी गहरे देख पाए तो फौरन हम पाएंगे कि बुरे में भला छिपा होता है, दुख में भी गहरे देख पाए तो पाएंगे कि सुख छिपा होता है, अभिशाप में भी गहरे देख पाए तो पाएंगे कि वरदान छिपा होता है। असल में बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू। शैतान के खिलाफ जो भगवान है उसे मैं अज्ञात नहीं कह रहा, मैं अज्ञात उसे कह रहा हूं जो हम सबके जीवन की भूमि, जो अस्तित्व का आधार है। उस अस्तित्व के आधार से ही रावण भी निकलता है, उस अस्तित्व के आधार से ही राम भी निकलते हैं, उस अस्तित्व से अंधकार भी निकलता है, उस अस्तित्व से प्रकाश भी निकलता है। हमें अंधकार में डर लगता है तो मन होता है अंधकार शैतान पैदा करता होगा, हमें रोशनी अच्छी लगती है तो मन होता है कि भगवान पैदा करता होगा। लेकिन अंधकार में कुछ भी बुरा नहीं है, रोशनी में कुछ भी भला नहीं है, और जो अस्तित्व को प्रेम करता है वो अंधकार में भी परमात्मा को पाएगा और प्रकाश में भी परमात्मा को पाएगा। सच तो यह है कि अंधकार को भय के कारण हम कभी उसके सौंदर्य को जान ही नहीं पाते, उसके रस को, उसके रहस्य को हम कभी जान ही नहीं पाते। हमारा भय मनुष्य निर्मित भय है, कंदराओं से आ रहे हैं हम, जंगली कंदराओं से होकर गुजरे हैं हम। अंधेरा बड़ा खतरनाक था, जंगली जानवर हमला कर देता, रात डराती थी, इसलिए अग्नि जब पहली दफे प्रकट हो सकी तो हमने उसे देवता बनाया, क्योंकि रात निश्चिंत हो गई, आंख जला के हम निर्भय हुए। अंधेरा हमारे अनुभव में भय से जुड़ गया है, रोशनी हमारे हृदय में अभय से जुड़ गई है। लेकिन अंधेरे का अपना रहस्य, रोशनी का अपना रहस्य, और इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटित होता है वो अंधेरे और रोशनी दोनों के सहयोग से घटित होता है। एक बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में, फूल आता है रोशनी में, बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में जमीन में, जड़ें फैलती हैं अंधेरे में जमीन में, फूल खिलते हैं आकाश में रोशनी में। एक बीज को रोशनी में रखते हैं फिर फूल कभी ना आएंगे, एक फूल को अंधेरे में गड़ाते हैं फिर बीज कभी पैदा ना होंगे। एक बच्चा पैदा होता है माँ के पेट के गहन अंधकार में, जहां रोशनी की एक किरण नहीं पहुंचती, फिर जब बड़ा होता है तो आता है प्रकाश। अंधेरा और प्रकाश एक ही जीवन शक्ति के लिए आधार है। जीवन में विभाजन, विरोध, पुनरुक्ति मनुष्य की है। फ्रायड जो कहता है कि शैतान से जुड़ा है, फ्रायड यहूदी चिंतन से जुड़ा था,
शायद यहूदी घर में पैदा हुआ था, बचपन से ही शैतान और परमात्मा के विरोध को उसने सुन रखा था। यहूदियों ने दो हिस्से तोड़ रखे, एक शैतान है एक भगवान है। वो आदमी के ही मन के दो हिस्से। तो फ्रायड को लगा कि जहां जहां से बुरी चीजें उठती हैं अचेतन से, वे बुरी बुरी चीजें शैतान डाल रहा हो। नहीं, कोई शैतान नहीं है। और अगर शैतान हमें दिखाई पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारी बुनियादी भूल है। धार्मिक व्यक्ति शैतान को देखने में असमर्थ है, परमात्मा ही है और अचेतन है। जहां से वैज्ञानिक सत्य को पाता है या धार्मिक सत्य को पाता है वो परमात्मा का द्वार है। धीरे धीरे हम उसकी गहराई में उतरेंगे तो ख्याल में निश्चित आ सकता है। पितामह सिंहनादं विनश्चोद्यै शङ्खं दद्मे प्रतापवान् तथा शङ्खाश्च वीर्याश्च पणावान् तपोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त पराक्रमशाली कुरुवृत्त भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए सिंहनाद पर अपना उदात्त शंख बजाया। सेनापति के शंख फूकने के अनंतर शंख नगारे पखवाज ढोल आदि भांति भांति के बाजे सरसा बजाए गए। वह शब्द वीरों के हृदयों का कंपाने वाला हुआ। शैतीर्हरैयोक्ते महाति चन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खो प्रदद्मतुः पञ्चजन्यम् ऋषिकेशो देवदत्तम् धनञ्जयः शङ्खम् धीमा कर्मभृकोदरः अनन्ता विजयम् राजा कुन्तिपुत्रायुधिष्ठिरः न कोलासः देवाश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। तदनन्तर सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर बैठे हुए माधव भगवान श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख, लोगों को भयदायक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। उनके पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंखन, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। भीष्म के गगनभेदी शंखनाद की प्रतिशब्द में कृष्ण शंखनाद करते हैं तो क्या उनका शंखध्वनि यक्षण के बजाय रिएक्शन प्रत्याघाती कहा जा सकता है? भगवत गीता के प्रथम इस अध्याय में कृष्ण का पाद पंचजन्य शंख या अर्जुन का देवदत्त का बजाना ये उद्घोषणा के बजाय कोई और तात्पर्य रखता है? कृष्ण का शंखनाद भीष्म के शंखनाद की प्रतिक्रिया तो रिएक्शन है ऐसा पूछा है? नहीं, सिर्फ रिस्पांस है, प्रतिसंवेदन है। और शंखनाद से केवल प्रति उत्तर है, युद्ध का नहीं। लड़ने का नहीं,
आंख नापते सिर्फ स्वीकृति है चुनौती की। वो चुनौती जो भी लाए, वो चुनौती जो भी दिखाए, वो चुनौती जहां भी ले जाए, उसकी स्वीकृति है। इस स्वीकृति को थोड़ा समझना उपयोगी है। जीवन प्रतिपल चुनौती है और जो उसे स्वीकार नहीं करता वो जीते जी ही मर जाता है। बहुत लोग जीते जी ही मर जाते हैं। गणेश का कहा करता था कि लोग मरते तो हैं बहुत पहले, दफनाए बहुत बाद में जाते, मरना और दफनाने में कोई 40 साल का अक्सर फर्क हो जाता। जिस दिन से व्यक्ति जीवन की चुनौती का स्वीकार बंद करता है उसी क्षण से मर जाता है। जीवन है प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति। लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति भी क्रोध जन्य हो सकती है और तब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, और चुनौती की स्वीकृति भी प्रसन्नता उत्फुल्लता से मुदितापूर्ण हो सकती है और तब प्रतिसंवेदन हो जाती है। ध्यान देने योग है कि भीष्म ने जब बजाया तो वचन है कि प्रसन्नता से, और वीरों को प्रसन्नचित्त करते हुए आह्लाद फैल गया उनके शंखनाद से। उस शंखनाद से प्रसन्नता फैल गई, वो एक स्वीकार है। जीवन जो दिखा रहा है, अगर युद्ध भी तो युद्ध का भी स्वीकार है। जीवन जहां ले जा रहा है, अगर युद्ध में भी तो उस युद्ध का भी स्वीकार है। निश्चित ही इसे प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। और पीछे कृष्ण और पांडव अपने अपने शंखनाद करते, यहां भी सोचने जैसी बात है कि पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होता है। युद्ध का प्रारंभ का दायित्व कौरवों का है। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं, पांडवों की तरफ से प्रतिसंवेदन है, रिस्पॉन्स है। अगर युद्ध ही है तो उसके उत्तर के लिए भी तैयार। ऐसे युद्ध की दृष्टि नहीं, पांडव भी पहले बजा सकते नहीं, लेकिन इतना दायित्व युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। युद्ध का ये प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। इसमें एक बात और ध्यान देने जैसी है कि कृष्ण शुरू करते हैं। अगर भीष्म ने शुरू किया था तो कृष्ण को उत्तर देने के लिए तैयार करना उचित नहीं है। उचित तो है कि जो युद्ध के लिए तत्पर योद्धा है, कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहां मौजूद है, वे योद्धा भी नहीं है, वे युद्ध करने भी नहीं आए, लड़ने की कोई बात ही नहीं। पांडवों की तरफ जो सेनापति है उसे शंखनाद करके उत्तर देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शंखनाद का उत्तर कृष्ण से शुरू करवाया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा के तरफ से डाले गए दायित्व से ज्यादा मानने को तैयार नहीं। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वे तैयार, वे केवल परमात्मा के साधन भर होकर लड़ने के लिए तैयार। इसलिए ये जो प्रतिउत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, वो कृष्ण से दिलवाया गया है। उचित है
उचित है, परमात्मा के साथ लड़के हारना भी उचित है और परमात्मा के खिलाफ लड़के जीतना भी उचित नहीं है। अब हार भी आनंद होगी, अब हार भी आनंद हो सकती है, क्योंकि ये लड़ाई अब कौरवों की अपनी नहीं है, अगर है तो परमात्मा की है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं है, रिस्पांस है, इसमें कोई क्रोध नहीं है। अगर भीम इसको बजाता तो रिएक्शन हो सकता, अगर भीम इसका उत्तर देता तो वो क्रोध नहीं दिया गया होता। अगर कृष्ण की तरफ से ये उत्तर आया है तो ये बड़ी आनंद की स्वीकृति है कि ठीक है, अगर जीवन वहां ले आया है जहां युद्ध ही फलित हो तो हम परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ते हैं। शश परमेश्वरतः श्रीखंडी च महारथः दृष्टत्रम्बो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्राश्च महाबाहुः शङ्खानादात्मकृतकृतः सकोशो दात्तराष्ट्राणाम् रदायानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव कुमुलोऽव्यनुनादयन् महदनुदनि काशीपति महारथी शिखंडी दृष्टदुम्न विराट अपराजित सत्फल का पुत्र सात्यकी हे पृथ्वीपते द्रुपद द्रौपदी के पुत्र महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु उक्त सभी योद्धाओं ने अलग अलग शंख बजाए। आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनि द्वारा पूर्ण कर रही पांचजन्य आदि शंखों से उत्पन्न महाध्वनि ने संपूर्ण शंखों से शब्दों से मिलकर धृतराष्ट्र के पुत्र संबंधी और सैनिकों के हृदय को विजीर्ण कर दिया। अथ जवस्थितान् दृष्ट्वा दार्द्रराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते तनुरुदम्य पाण्डवः ऋषिकेशम् तदा वाक्यम् इदमहमहि अर्वाच तेन योरुभयोर्मासे रथम् स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहम् योगदोक्त स्थितान् तैर्मर्या सह योगव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। राजन् शस्त्रास्त्र चलने के समय युद्ध के लिए इकट्ठे हुए धृतराष्ट्र के पक्ष के सैनिकों को देखकर अर्जुन ने स्वयं भी धनुष उठाकर भगवान से यह वाक्य कहा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जहाँ पर से मैं इस संग्राम में इनके साथ मुझ युद्ध करना चाहिए यह जानने के लिए युद्ध की इच्छा वाले अत एवं युद्ध के लिए तत्पर इन सब योद्धाओं के निरीक्षण करो, वहाँ पर ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए। अर्जुन किन के साथ युद्ध करना है उन्हें देखने की कृष्ण से प्रार्थना करता है। इसमें दो तीन बातें आज की सुबह के लिए आखिरी समझ लेनी उचित है, फिर हम सांझ बात करेंगे।